पहला जो लेक्चर है प्रैक्टिकल का, जिससे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगी, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आइए सेकंड लेक्चर देखते हैं आज। तो हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डबल साल्ट फॉर्मेशन। डबल साल्ट फॉर्मेशन एंड एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। तो ये दोनों प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्कूल्स में ये है भी और कुछ स्कूल में हो सकता है डबल साल्ट फॉर्मेशन ना हो। अमूमन सभी स्कूल में एसिड बेसिक करेक्टर जरूर है। तो आइए शुरू कर रहे हैं हम डबल सॉल्ट से। तो डबल सॉल्ट के बारे में अगर हम सबसे पहले बात देखें तो बात उठती है कि डबल सॉल्ट है क्या, जिसमें मोर देन वन कैटायन हो, एक से ज्यादा जिसमें कैटायन हो, एनायन हो, ऐसा जो सॉल्ट होगा वो डबल सॉल्ट कहलाता है। बेसिकली दो सॉल्ट का मिक्सचर होता है। जैसे आपने FAS यूज किया था टाइट्रेशन में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो था आपके पास FeSO4 अमोनियम सल्फेट। इसमें आप देख रहे होंगे दो सॉल्ट यूज हुए हैं। तो ये जो सॉल्ट है ये डबल सॉल्ट कहलाएगा। तो दो सॉल्ट मिलके जो बना है या मोर देन वन कैटायन हो तो वो आपका डबल सॉल्ट कहलाता है। इसकी प्रिपरेशन आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में है और साथ में इसका वाइवा भी होगा। इसके वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इस PDF में सम अप किए हैं, वन बाय वन उनको देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं FAS, तो FAS डबल सॉल्ट है। तो पहली बात ये उठती है मन में कि डबल सॉल्ट होता क्या है, डबल सॉल्ट क्या होता है वो हम आपके साथ बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो बात है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। अब आपकी सिलेबस में क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी है, आपकी थ्योरी में कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप कहें कॉम्प्लेक्स की बात, तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है K4FeCN6, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। या मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, इसी को लिख लेती हूँ मैं K4FeCN4 और यहां पे लिख लेती हूँ SO4। तो आपको पता है कि यहां पर आपके पास ये जो है ये CMI है, सेंट्रल मेटल आयन, ये आपके पास लाइगेंड है। ऐसे ही आपके पास ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये दोनों आपके पास लाइगेंड है, ठीक है। अब अगर मैं इस सॉल्ट में चाहूं कि मैं यहां पर आयरन का टेस्ट करूं तो आयरन का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है आपके पास, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो आपका डिसोशिएट ही नहीं होने वाला। तो उसमें जो आयरन है वो फ्री नहीं है। तो जब वो फ्री नहीं है, आयरन आपके पास फ्री नहीं है, तो वो आयरन का टेस्ट देगा ही नहीं। इसी तरीके से ये ना आयरन का टेस्ट देगा और ना ही सल्फेट का टेस्ट देगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करते हैं किसकी, FAS की, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट डबल सॉल्ट है और ये सॉल्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों का टेस्ट देगा। अगर आप इस फेरस अमोनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयरन का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये सल्फेट का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब दिक्कत ये है कि आपके यहाँ एसिडिक और बेसिक दोनों रेडिकल्स हैं, तो आपको आयरन का टेस्ट पता होना चाहिए कि आयरन का टेस्ट कहाँ है, आयरन कौन से ग्रुप में है, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आयरन का हम एनालिसिस कैसे करते हैं और सल्फेट का एनालिसिस कैसे करते हैं या सल्फेट कैसे पता लगाते हैं। तो सॉल्ट और डबल सॉल्ट में ये डिफरेंस है कि सॉल्ट अपना जो आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है या लाइगेंड के फॉर्म में कोई आपके पास है, वो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जो डबल सॉल्ट है वो उसमें जितने भी आयन हैं वो उनका टेस्ट देता है। अब दिक्कत हमारे पास, अगर हम इसी में आगे बढ़े तो आपके पास
डबल सॉल्ट की दो फॉर्मेशन है आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, हमने सब एनालाइज किया, तो दो हैं आपके पास, एक तो है फेरस अमोनियम सल्फेट, दूसरा है आपका पोटैश एलुम। अब देखिए दोनों को बनाने का तरीका लगभग सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। आइए देखते हैं, हमारे पास पहला है फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट, देख लेते हैं सबसे पहले, ये रहा आपके पास, नीचे जाएंगे आप तो यहां पर आपके पास है मोहर सॉल्ट। बात आती है इसके रंग की, आप पहले इसका कलर आइडेंटिफाई करें, लाइट ग्रीन कलर का होता है ये, इसका कलर आपको पता होना चाहिए। और लैब में अगर आप इसे बनाने वाले हैं या आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में है, तो थोड़ा छोटी छोटी पॉलिथीन जरूर लेके जाएं, आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में बनाने के बाद इसे स्टैपल भी करें या आप पेस्ट करें या कुछ भी करके इसे अपने कॉपी में अटैच करें, इससे आपका जो है इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा। अब देखिए बनता कैसे है, फेरस अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला पता होना चाहिए, FAS में भी आप इसे याद करने वाले हैं तो आप इसे पढ़ेंगे ही। अब देखो इसकी क्वांटिटी देखिए, आप यहां पर इसकी क्वांटिटी देखिए, आप फेरस सल्फेट लेना है आपको 7 ग्राम और यहां पर आपको 3.5 ग्राम लेना है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लेना है 3.5 ग्राम और फेरस सल्फेट लेना है 7 ग्राम। ये इक्विमोलर रेशियो है इसका, ग्राम में है, अगर आप मोल में लेंगे तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी और फिर बहुत बड़ा बीकर डिसॉल्व करने के लिए लेना पड़ेगा, फिर इवेपोरेट भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमने मिनिमम क्वांटिटी लिया है जिससे हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट बन जाए। अब बनाएंगे कैसे, बनाने की तरफ ध्यान देते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है मेरे पास फेरस सल्फेट है, ये भी ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, सॉरी हमारे पास है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखना है ये हाइड्रेटेड है या नॉन हाइड्रेटेड है, बोले तो आपके पास जो बॉक्स आएगा फेरस सल्फेट का उसमें देखना है कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है क्या। हाइड्रेटेड मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ऐसा क्या वाटर जुड़ा हुआ है क्या इसके साथ, आपको वो पूरा बोलना है वहां पर कि हमारे पास फेरस सल्फेट कहीं कहीं पर ये एनहाइड्रस होता है, कहीं पर हाइड्रेटेड है, तो आपको ये बताना है वहां पे। अब आपकी जो लैब में है उसको आप अच्छे से देखें कि वो हाइड्रेटेड है या नहीं, ऐसे ही अमोनियम सल्फेट के साथ है आपका, ठीक है। अब आपने ये फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया है 7 ग्राम और अमोनियम सल्फेट लिया है 3.5 ग्राम। अगेन हम कल पढ़ चुके हैं कि हमें इसमें वेइंग मशीन का यूज करना पड़ेगा, जो जो सामान आप यूज कर रहे हैं मैंने पहले ही बताया, आप वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम इसमें बीकर का यूज करेंगे, हम ग्लास रॉड का यूज करेंगे, पोर्सलिन डिश बोले तो चाइना डिश का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसे इवेपोरेट करेंगे तो नीचे आपका वायर गॉज लगाएंगे, ट्राइपोड स्टैंड लगाएंगे, क्योंकि जब आप कॉपी लेके जाएंगे एग्जामिनर के पास तो आपको यही पूछेगा आपने कैसे बनाया। अब आप बोलोगे मैंने इतना वेइंग किया, वेइंग करके आप मैंने बीकर में डाला है ना, ग्लास रॉड से स्टिर किया, फिर मैंने ट्रैपोड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज के ऊपर पोर्सलिन डिश में ये डाला, फिर इवेपोरेट किया, तो ये सारी आप जैसे जैसे बोलेंगे ट्रैपोड स्टैंड, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो वो पूछ लेगा जिसके ऊपर रखा था वो क्या था, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे और फिर एग्जामिनर ये समझ लेंगे कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। तो अब आप देखें आपने ये दोनों यहां पर ले लिए, अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें पानी डालना है, पानी डालना है, वाटर डालने 20 ml, ध्यान से सुनो, वाटर 20 ml डालने पे इसका हाइड्रोलिसिस हो गया हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना हमने कि आयरन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो उससे पहले हम क्या डालेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 भी डाला है, आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं, आवश्यकता नहीं है पर डाल देंगे तो कोई बुराई नहीं है, डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे। आप दोनों को ग्लास रॉड से आप स्टिर करेंगे, ग्लास रॉड से अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से डिजोल्व करेंगे 20 ml में, नहीं तो जितना आपकी रिकॉर्ड कॉपी में लिखवाया है उस हिसाब से आप इसे डिजोल्व कर लें, अच्छे से डिजोल्व करेंगे। जब ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा आपको एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन यहाँ दिखेगा, यहाँ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिखेगा, फिर आप इन दोनों को क्या करेंगे, अगर कोई टर्बिडिटी आपको दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ है उसमें,
इम्प्योरिटी है जो दिख रहा है आपको सोल्यूशन में, तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप इन दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको कर लें आप फिल्टर। फिल्टर करने के बाद इसे ले लें पोर्सलिन डिश में, और पोर्सलिन डिश में एक अंदाजा ले लें कि ये इतना है, ठीक है। अब पोर्सलिन डिश में लेने के बाद आप इसमें क्या करें, आप इसमें लगाएं फनल में ये ट्राइपोड स्टैंड रखें, और इसके ऊपर रखें आप वायर गॉज, और वायर गॉज के ऊपर इसको रख दें और इसे कर लें इवेपोरेट होने दें, ठीक है। जब ये इवेपोरेट होगा तो आपको इसमें बीच बीच में, अमूमन अगर जैसे मेरे पास 20-20 ml दोनों का है तो 40 ml हो जाएगा, तो तकरीबन 25-20 ml रह जाए, आपको पता चल जाएगा हाफ हो गया। जब इतना रह जाए तो इसमें एक ग्लास रॉड डिप करें, ठीक है। डिप करने के बाद उसे निकालें, थोड़ा ड्राई होने लगे, फूक मारें तो जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो उसमें कुछ डिपॉजिटेशन होगा, रॉड पे कुछ चिपका हुआ सा आपको दिखेगा ग्रीन कलर का। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन की जो एंड पॉइंट है वो हमको मिल चुका है। अगर उसमें डिपॉजिटेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स अभी इसे और इवेपोरेट करना है, समझ में आ रही बात। अब अगर आपका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आपको मिल गया है तो फिर आप कुछ नहीं करें, एक बीकर लें, एक बीकर में, वैसे तो आइस पे करेंगे ज्यादा अच्छा है, पहले से रूम टेम्परेचर पे लिया है, ऐसा नहीं है हड़बड़ाहट में जल्दी से पानी में के ऊपर रख दें से ये पोर्सलिन डिश टूट जाएगी आपकी, थोड़ा इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, और फिर या तो आइस कंटेनर बीकर में रखें, नहीं तो अगर आपके पास वाटर बाथ है, कल हमने दिखाया था वाटर बाथ है, तो वाटर बाथ में आप ठंडा पानी या आइस कोल्ड वाटर ले लें और उसके ऊपर इस पोर्सलिन डिश को रख लीजिए आप, समझ में आ रही है। तो जब आप ये सब करेंगे, जब आप यहाँ पर करेंगे तो आधे घंटे के बाद इसमें आपको ग्रीन कलर के, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इस कलर के जैसा कि हमने दिखाया था, इस तरह का डिपॉजिटेशन मिल जाएगा, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। वो जो क्रिस्टल होंगे वो फेरस अमोनियम सल्फेट के होंगे, समझ में आ रही है बात। अब आपको उनको क्या करना है, जैसे आपके पास पोर्सलिन डिश आ गई, इस तरह की आपके पास यहाँ पर, इस तरह की आपके पास ये पोर्सलिन डिश थी, यहाँ पर आपका डिपॉजिटेशन हो गया ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे लिक्विड भी रहेगा, आपके पास लिक्विड भी रहेगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का डिपॉजिटेशन और साथ में लिक्विड रहेगा। तो आप क्या करें, इस पोर्सलिन डिश को थोड़ा सा साइड से वो लिक्विड जो एक्सेस है वो निकाल दें, और जो आपके पास फेरस अमोनियम सल्फेट है वो बचा रह जाएगा, जो लिक्विड निकला है उसे कहते हैं मदर लिक्विड, ठीक है। अब मदर लिक्विड जो है, आप ध्यान रखें कि वो लिक्विड है जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद बचा है, वो फिल्ट्रेट नहीं है। फिल्ट्रेट वो होता है जब आप किसी चीज को फिल्टर करते हैं और फिर नीचे आपका जो डिकेंट आता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, ये अलग बात है। इसमें आपका जो डिकेंट है वो जो बस साइड से आपको निकाल देना, फिल्टर निकलना, फिर जो भी आपके पास आया है फेरस अमोनियम सल्फेट उसे फिल्टर पेपर के बीच में रख के अच्छे से आप उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद थोड़ी देर आप उसे रख दें। रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है उसका वेट। वेट के लिए फिर वेट मशीन यूज करनी है, उसके ऊपर पहले फिल्टर पेपर लगाएं, फिर टेयर करके जीरो करें, फिर जो फेरस अमोनियम सल्फेट बना है वो डालें, फिर जो उसका वेट है वो लिख लें, पूरा लिखें, क्योंकि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वेइंग करने के लिए वो आराम से आपका दे सकती है। तो 3.249 ग्राम ऐसा पूरा लिखें आप उसमें, ठीक है, वो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब वहां पर ये जो आया है उसके लिए एक शब्द यूज हुआ है, यील्ड यूज हुआ है। अब आपको पता क्या है, आप तो लिख देंगे यहाँ पे, या लिखा है यहाँ एक्चुअल यील्ड लिखा है कि नहीं, इस यील्ड का मतलब है कितना बना। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, वो यहीं से पता चलेगा, वो बोलेगा इस शब्द का मतलब बताओ यील्ड क्या है, आप बता थोड़ी पाएंगे यील्ड का मतलब, इसका मतलब है मात्रा, कितना बना है वो, लाइट ग्रीन कलर का है। अब इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी शेप की बात कर लेते हैं। इसकी शेप जो है वो है आपके पास मोनोक्लिनिक। कैसी शेप है इसकी, इसकी शेप की बात हो रही है, इसकी शेप आपके पास है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक शेप है। अब दिक्कत ये है कि आपके सिलेबस से सॉलिड स्टेट हट चुका है। अब सॉलिड स्टेट हट चुका है तो ये मोनोक्लिनिक जो वर्ड है इसको डिफाइन करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए, जो सॉलिड होते हैं वो एक छोटी छोटी यूनिट से बनते हैं, जैसे कि ये रूम है, तो इस रूम को अगर मैं 3D एक्सपेंड करूंगी तो जो पूरा
ब्लॉक बनेगा उसे क्रिस्टल कहते हैं। इसका मतलब हर सॉलिड में एक छोटी यूनिट है जिसकी 3D रिप्रेजेंटेशन से पूरा क्रिस्टल मुझे मिल जाता है। तो जो छोटा यूनिट है उसे बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसे? यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है ये बहुत टाइप का होता है, तो मैं ये इस तरह का क्यूबिक यूनिट सेल आइडेंटिटी ले रही हूं। जनरली क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये आपका ये 3D हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये जो डिस्टेंस है ABC है और ये जो एंगल है दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। मतलब यूनिट सेल के जो पैरामीटर है वो डिस्टेंस है ABC और साथ में इसके जो पैरामीटर है दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। अगर ये सब सेम है और ये 90 है तो ये जो है ये आपका क्यूबिक कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा यूनिट सेल। अब बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90, तो आपके पास जो आएगा वो ट्राइक्लिनिक आएगा। ट्राइक्लिनिक, समझ रहे हैं आप, ये वर्ड्स है। अब मोनोक्लिनिक के लिए जो पैरामीटर है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 एंड बीटा नॉट इक्वल्स टू 90, ये जो पैरामीटर है ये आपका मोनोक्लिनिक के लिए। तो ये मोनोक्लिनिक के लिए ये पैरामीटर है, ये इंटरफेशियल एंगल है और ABC डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो स्ट्रक्चर है वो आपका मोनोक्लिनिक है, ये आपको यहां से देखना है। अब बात करते हैं इसकी कि यहां पर जो फॉर्मूला है फेरस अमोनियम सल्फेट का लिखा है मैंने, इस ये हाइड्रेटेड 6H2O इसमें है, देख रहे होंगे आप, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला उसमें आपका FeSO4 है, साथ में आपके पास है NH4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे SO4 है, साथ में है 6H2O, ये है इसका, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज वाटर है। इसी से मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर इसका बना, बिना इसके बन नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये केमिकली है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी में होता है जिससे उसका क्रिस्टलाइन स्टेट हमको फाइंड होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, इनके कलर पता होना चाहिए। जब आपने फेरस सल्फेट को डिसॉल्व किया तो H2SO4 क्यों डाला? क्योंकि वहां हाइड्रोलिसिस हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रिकॉशनली H2SO4 डाला। ये सारी चीजें आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्रिस्टलाइजेशन के लिए सोल्यूशन आपने निकाल लिया, क्रिस्टलाइजेशन का पॉइंट आपको कैसे पता चला, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और हर चीज का कलर पता होना चाहिए। जैसे वो पूछ ले अमोनियम सल्फेट का कैसा कलर था जब आपने देखा, पाउडर था, सॉलिड था, लिक्विड था। तो ये सारी चीजें जब आप लैब में यूज करें तो इसे ऑब्जर्वेशन में रखें कि ये क्या क्या है, क्योंकि वो ऐसे रैंडमली पूछ लेंगे जिससे वो ये पता लगा लेंगे कि एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने परफॉर्म किया है लेकिन आप उन बातों को ध्यान ही नहीं में नहीं रखते। अब आपके ध्यान में नहीं रहेगा, एग्जामिनर एकदम से पूछेगा आपको, उसको लगेगा कि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और आसान एक्सपेरिमेंट है आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे डबल सॉल्ट की। दूसरा इसका यूज भी है, एक बार और देख लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट का इसका यूज भी देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा फेरस अमोनियम सल्फेट का जो यूज हो रहा है ना वो मैंने लिखा है ये रहा, ठीक है। लैब में तो यूज ही होता है, जैसे FeS का आपने अभी टाइट्रेशन की तो आपने इसको यूज किया, और फोटोग्राफी प्लेट में भी सिल्वर के डिपॉजिटेशन में इसका यूज होता है, और मॉडरेंट के फॉर्म में यूज होता है। ये मेरे को ये डिस्कस करना था आपके पास, मॉडरेंट क्या होता है। देखिए डाइज बहुत टाइप की होती है, डाइज समझते हैं, कपड़ों को रंगने का तरीका। एक तो आपको पता है कि बाजार में वो दुपट्टा डाइज करते हैं, वो पानी में कलर को डिजोल्व करते हैं और फिर उसमें आपका दुपट्टा डालते हैं और वो कलर्ड हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा वो एक कुछ वो व्हाइट कलर का भी कुछ डालते हैं कभी कभी किसी स्पेसिफिक कलर के लिए। वो क्या होता है, वो मॉडरेंट होता है। क्यों? देखिए हमेशा मेरे पास सपोज ये क्लॉथ है,
ठीक है, और मेरे को इसमें इसमें मेरे को ये क्लॉथ है, मेरे को इसमें कलर करना है, ये मुझे ये वाला कलर इसमें चढ़ाना है, पर इसकी एफिनिटी इससे नहीं है, ये कलर इस कपड़े के प्रति एफिनिटी रखता नहीं, पसंद नहीं करता। अगर आप इसे पानी में घोल के कपड़े को डालेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कपड़े की इस कलर के प्रति कोई एफिनिटी नहीं। अब मैं इसमें मॉडरेंट डाल दूं, ये मॉडरेंट कपड़े को भी पसंद करता है और इस कलर को भी, तो क्या करती हूँ, पहले कपड़े को मॉडरेंट में डालती हूँ, तो मॉडरेंट कपड़े से बाइंड हो जाता है, फिर मैं इसे उस डाई में डालती हूँ तो मॉडरेंट डाई से बाइंड होता है, तो इस तरीके से जो डाई है वो कपड़े पे चढ़ जाती है। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट मॉडरेंट की तरह भी कार्य करता है, मॉडरेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है, जिससे आप डाई कर सकते हैं कपड़ों को, ऐसी डाई जो जिनका एफिनिटी कपड़े के लिए है नहीं, जो डायरेक्ट आप कपड़े पे जिन कलर्स को नहीं चढ़ा सकते उसके लिए मॉडरेंट यूज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पोटैश एलम पर। पोटैश एलम सबसे पहले देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है पोटैश एलम का, ये रहा ये पोटैश एलम का फॉर्मूला है आपके पास, आपको याद रखना है। ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से बनेगा, दो सॉल्ट से मिलके बनेगा, डबल सॉल्ट है, एल्यूमिनियम का टेस्ट भी देगा और सल्फेट का टेस्ट भी देगा। सल्फेट का टेस्ट आपके सिलेबस में आप जरूर पढ़ेंगे उसे, और हम पढ़ाएंगे भी अभी एसिड बेसिक रेडिकल में, और एल्यूमिनियम के टेस्ट को भी पढ़ाएंगे। पोटैश एलम है, एलम बहुत टाइप के होते हैं, आयरन एलम भी होता है, सोडियम एलम भी होता है। अगर आपके पास इस तरह के एलम है तो सिर्फ ये चेंज हुआ, सपोज सोडियम एलम है तो सोडियम सल्फेट लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट रहेगा ही, समझ रहे हैं। जैसे आपके पास आयरन एलम है तो आयरन सल्फेट रहेगा, समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर एलम बहुत टाइप के होते हैं, आप हर एलम के फॉर्मूला देख लें, एक दो एलम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डबल सॉल्ट तो आपने दो ही बनाए, लेकिन एक दो डबल सॉल्ट और आपको पता होना चाहिए ताकि आप वो पूछ ले कौन सा डबल सॉल्ट। ये देखिए इस तरह का दिखता है आपको पोटैश एलम, कहाँ देखा है आपने। अगर आप पुराने कभी चले जाए, अब तो भैया सब जाते हैं अपना शेविंग कराने के लिए बाहर ही जाते हैं, घर में कोई नहीं करता, लेकिन अगर आप पुराने लोग की किट देखें, शेविंग किट, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, शेविंग क्रीम मिलेगी, तो एक व्हाइट कलर का पत्थर सा क्रिस्टल मिलेगा आपको। और अगर किसी ने वो शेविंग करते हुए देखा है तो आप पाएंगे कि फेस पर जैसे आफ्टर शेविंग उसको रबिंग करते हैं उसकी, समझ रहे हैं बात, वो जो क्रिस्टल आपको दिखता है वो पोटैश एलम ही है। क्यों करते हैं, जैसे शेविंग करते हुए आपका कहीं पर कट जाए तो पोटैश एलम से क्या होता है, वो आपका जो है क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब हालांकि आपके सिलेबस में कोलाइडल है नहीं, तो क्लॉटिंग क्या होती है वो सब वहीं है, बस आप ये समझते हैं कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है वहां पर। ठीक है, इस तरह का दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बनाने के बाद कॉपी में अटैच जरूर करें। बनाने का तरीका क्या है, हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं, तरीका वही है, बस इसका आप देख लें कि आपको कितना क्वांटिटी लेना है। तो पोटेशियम सल्फेट का लेना है 2 ग्राम और एल्यूमिनियम सल्फेट का लेना है 8 ग्राम। पोटेशियम सल्फेट का लेना है आपको 2 ग्राम और एल्यूमिनियम सल्फेट का लेना है आपको कितना ग्राम लेना है, 8 ग्राम। ठीक है, अब क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाता है हाइड्रोलिसिस, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास दो हैं, एक जगह मैंने पोटेशियम सल्फेट ले लिया है, कितना लिया है ये 2 ग्राम लिया है, एक अनदर बीकर में मैंने ले लिया है 8 ग्राम, ये ले लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका कि हाइड्रोलिसिस होता है, याद है ना, बताया था इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो पहले इसमें डाइल्यूट, सॉरी, तो पहले इसमें क्या डालूंगी, पहले इसमें डालूंगी मैं डाइल्यूट H2SO4 डालूंगी। भाई कितना डालना है, 1-2 ml डाल दू बस, ना पूछ, ऐसा नहीं मेजर करके डालना है, बिल्कुल 3-4 ml डाल दिए ऐसे थोड़ा सा डाल देना, फिर इसमें वाटर डालना है जितना आपके रिकॉर्ड कॉपी में लिखा है, समझ रहे हैं, कहीं 20 ml लिखा है, कहीं 25 ml लिखा है, तो आप डाल के इसको अच्छे से स्थिर करें। हो सकता है ये डिजोल्व ना हो क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप गर्म कर लें, है ना, बीकर जैसे इसमें किया थोड़े से बीकर को फ्लेम में रख दें ताकि ये आपका डिजोल्व हो जाए। ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट है, इसमें डायरेक्ट वाटर डाल सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो डायरेक्ट वाटर जितना क्वांटिटी आपके रिकॉर्ड में लिखा है इसे डिसॉल्व करें, नहीं गर्म हो रहा तो थोड़ा सा आप इसे फ्लेम में रख के थोड़ा हीट कर लें।
ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके आप पोर्सलेन डिश में ले लें। अगर आपको टर्बिडिटी दिख रही है, टर्बिडिटी तो आप थोड़ा फिल्टर कर लें। अगर टर्बिडिटी नहीं दिख रही है तो फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो कि थोड़ा टर्बिडिटी है तो फिल्टर करें। दोनों को मिक्स करने के बाद फिल्टर कर लें, थोड़ा टर्बिडिटी रिमूव हो जाए। टर्बिडिटी वाला सोल्यूशन हमको नहीं लेना है। तो कभी कभी होता है सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, तो आपने अच्छे से शेक किया, थोड़ा गर्म करके भी शेक किया, उसके बावजूद भी आपको टर्बिडिटी अगर दिख रही है सोल्यूशन में तो थोड़ा फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद पोर्सलेन डिश लें। पोर्सलेन डिश लेने के बाद फिर वही करना है आपको, नीचे से ये पहले वायर गॉर्ड लगा देनी है, फिर ट्राइपॉड स्टैंड, फिर नीचे से ये फ्लेम देके वही इसे इवेपोरेट करना है। कब तक करना है? क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक। वो कैसे चेक करेंगे? ग्लास रॉड डिप करें, डिप करने के बाद बाहर रखें, थोड़ा उसे फूक मारें, नहीं तो सिंपल रख दें आप। अगर उसमें कुछ डिपॉजिटेशन हो रहा है हल्का सा, जैसा कि आपको उसमें दिख रहा था फिटकरी जैसा आपको लग रहा है कुछ बन रहा है, तो ठीक है, फिर इसे आउट करके पहले रूम टेम्परेचर पे लाएं। रूम टेम्परेचर लाने के बाद इसे ठंडे पानी के ऊपर रख लें। अब चाहे बीकर में रखें, अब जैसा आपके स्कूल में मटेरियल है उस हिसाब से रख लें, या वाटर बाथ में रख लें। हालांकि वाटर बाथ में रखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे सिंपली बीकर में ठंडा पानी लेके उसके ऊपर रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। अब अगेन ये सब बन गया, ट्रांसपेरेंट बनेगा, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है, ये भी हाइड्रेटेड है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये सारी ईल्ड के बारे में पता होना चाहिए, कलर कैसा आ रहा है, कितना ग्राम बना है फिल्टर पेपर में, फिर उसे निकालने, जो भी एक्स्ट्रा क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर वो निकाल के फिर उसे फिल्टर पेपर में थोड़ा रब कर लें, ड्राई हो जाए, जिससे फिर वेट करके रख लें। अब इसकी क्या क्या है, अब देखो पुराने जमाने में मैंने एक बताया, एक तो शेविंग में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप नीचे एमपी की तरफ जाएं तो वहां फिटकरी का यूज लोग घर में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी करते हैं। जैसे वाटर उबल रहा होता है उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा लेके यूं घुमा देते हैं लोग 5-10 मिनट के लिए, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम करते हैं इसमें। और इसका यूज टेक्सटाइल में तो है ही, मैंने कहा था आपको कि मॉडरेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है, तो ये सारे इसका यूजेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो डबल सॉल्ट के बारे में तो इतना ही है। अब इनके फॉर्मूले याद हो, इनका कलर याद हो, कैसे बनाया, बनाते हुए आपने क्या क्या इसमें यूज किया है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए दिक्कत है, फिर आपके लिए है दिक्कत। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कैसा है। अब आपके स्कूल का सबसे टफेस्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारे पास एसिड एंड बेसिक रेडिकल। ठीक है, वो हमारे पास है एसिड एंड बेसिक रेडिकल। तो ये एसिड एंड बेसिक रेडिकल हम शुरू कर रहे हैं। इसे शुरू करते हुए आपको अपनी रफ कॉपी निकालनी पड़ेगी। रफ कॉपी निकाल लें, एक पेन ले लें, क्योंकि ये साथ साथ पढ़ा जाएगा और साथ साथ ही इसे याद भी करना है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी यहाँ पर और आपसे कहूंगी आप याद कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे साथ साथ याद करने वाला पार्ट याद कर लें तो आपको प्रैक्टिकल तक छुट्टी हो जाएगी। अब आपने कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड याद किए थे ना, ये कुछ वैसा ही है। बिना लाइगेंड याद किए पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा जा सकता है, बिना रेडिकल याद किए आप एसिडिक बेसिक रेडिकल नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल करना है। अब एसिडिक और बेसिक रेडिकल होता क्या है, पहले ये देखो। देखो भाई, आपके पास एसिड कौन है? अगर आप बात करेंगे, तो आप सबसे पहले बात करेंगे एसिड की, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल्स है क्या? देखो आप ऐसा समझो, मेरे पास एसिड वो होते हैं जो एचायन है, आपका डोनेट करते हैं। एचायन किसके साइड के साथ कंबाइंड होगा? हमेशा एनायन के साथ कंबाइंड होगा। तो ये जो एनायन है विच इज द पार्ट ऑफ एसिड इज नोन एज एसिडिक रेडिकल। बोले तो एचायन के साथ जो भी एनायन बाइंड होता है वो एसिडिक रेडिकल है। अब ये बहुत सारे एनायन हो सकता है, सीएल नेगेटिव हो सकता है, SO4 नेगेटिव हो सकता है, PO4 नेगेटिव हो सकता है ना, CO3 नेगेटिव हो सकता है, आप चाहें तो S2 नेगेटिव ले सकते हैं, आप NO2 नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे एनायन हमारे पास हैं जिन्हें आप एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं।
अब बात ये आती है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, या CO32 नेगेटिव लिख देगा, पूछेगा ये क्या है। तो जैसे लिगेंड वाली बात कॉम्प्लेक्स में थी, सेम वही बात यहां पर है कि आप बिना इन्हें याद किए नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पहले इनको लिखें। मैंने स्पेशली ग्रीन से मार्क किया, जो ग्रीन है वो आपकी लैब में होंगे, तो उनको तो बहुत अच्छी तरह करना है, लेकिन मैंने इसमें सारे लिखे हैं। आपके पास पहला है कार्बोनेट, लिखते चले जाएं। दूसरा है आपके पास नाइट्राइट। अब आपका एक और है यहाँ पर, यहाँ पर नाइट्रेट भी होता है, नाइट्रेट भी होता है, जो कि मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ, सॉरी, यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ मैं, ताकि आप इसे डिफ्रेंशिएट कर पाए। यहाँ पर आपके पास है NO3 नेगेटिव नाइट्रेट। देखो दोनों नेम एक जैसा है तो दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, नाइट्रेट बताओ, फिर पूछते हैं नाइट्राइट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास सल्फाइड, सल्फाइड, और एक और होता है आपके पास SO42 नेगेटिव, इसे कहते हैं आप सल्फेट। देखिए देखिए ये सभी याद होने चाहिए, ऐसा लिगेंड में भी था, ठीक है। फिर अजी आप थायोसल्फेट है, ये आपकी लैब में नहीं मिलता, एसीटेट है। फिर है आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, देखिए यहाँ लिखा है, और है ऑक्सलेट। अलग से दो लिखे हैं मैंने, सल्फेट एंड फॉस्फेट। आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने इसे बॉक्स में रखा है। आप अभी पहले वीडियो रोक के पहले इन सबको याद कर लें, आगे का पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो आप इन्हें जरूर याद करें, इनका चार्ज याद करें। वो पूछ लेगा ऑक्सलेट का फॉर्मूला बताओ, या वो ये पूछ लेगा आपका PO43 नेगेटिव को बताओ क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर होगा, एक एसिडिक रेडिकल्स का सिंबल जरूर पूछेंगे आपसे, बेसिक रेडिकल का भी पूछेंगे, तो आपको ये पता होने चाहिए, इसे याद करें अच्छे से। मैंने सब लिख दिए इसमें, कुछ छोड़ा नहीं। जो ग्रीन से हाईलाइट है वो आपकी लैब में होंगे, उनके तो आपको टेस्ट भी याद करने हैं। अब आप देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, नीचे लिखा हुआ है कंसेंट्रेट H2SO4। ये क्या है, हमें बेसिकली करना क्या है पहले वो देखते हैं। हमारे पास एसिडिक रेडिकल है ना, एसिडिक रेडिकल हमारे को दिया क्या गया है देखेंगे पहले, हमको दिया गया है, हमें दिया गया है एक सॉल्ट, सॉल्ट दिया गया है। अब सॉल्ट में आपके पास एक कैटायन है और एक एनायन है, कैटायन और एनायन। सपोज मुझे दिया गया है FeSO4, तो इसमें पता है आपको Fe+2 है और आपके पास SO42 नेगेटिव है, मुझे ये पता लगाना है। ये एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है। एसिडिक रेडिकल HN का पार्ट था ना, बेसिक रेडिकल OH आयन का पार्ट है, तभी तो बेसिक रेडिकल बोला इसको, क्योंकि ये OH के साथ बाइंड करके बेस बनाएगा, तो OH का रिमेनिंग पार्ट OH नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, कैटायन ही तो जुड़ेगा, उसे कहा है बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव पार्ट के साथ HN के साथ जो अटैच होता है उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो एसिडिक रेडिकल है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो बेसिक रेडिकल है। पोटेशियम हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो आपके बेसिक रेडिकल में आते हैं। तो होता है क्या है, आप लैब असिस्टेंट क्या करेगा, बहुत सारे सॉल्ट हैं उसके पास, वो कोई भी एक सॉल्ट आपको दे देगा। सपोज उसने आपको PbCl2 दे दिया, तो आपको उसमें Pb+2 पता लगाना है, Cl नेगेटिव आपको ये पता लगाना है उसमें बेसिक रेडिकल कौन सा और एसिडिक रेडिकल कौन सा है। अब ये कैसे करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल करते हैं, क्योंकि दोनों रेडिकल एक साथ नहीं पता लगा सकते आप, ठीक है। तो आपको पहले एसिडिक के लिए अलग करना पड़ेगा, फिर आपको बेसिक के लिए अलग करना पड़ेगा। तो आपको एसिडिक रेडिकल के लिए क्या करना है, ये एसिडिक रेडिकल है आपके पास, एसिडिक रेडिकल्स है, ये एसिडिक रेडिकल्स को मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे एसिडिक रेडिकल है, ये ना एक सिस्टमेटिक बनाया गया है लैब का मैनुअल, ऐसा नहीं है इसमें आप कोई भी ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, ये स्पेशली लैब में किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए एक मैनुअल बनाया गया है बहुत रिसर्च के बाद, ठीक है। अब एसिडिक रेडिकल को मैंने क्या किया, जितने भी एनायन थे उसे तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मैंने कर दिया तीन ग्रुप में डिवाइड। पहला डाइल्यूट H2SO4 वाला, फिर मैंने कर दिया कंसेंट्रेट H2SO4 वाला, और फिर मैंने कर लिया जो इन ग्रुप में नहीं आते उनको मैंने ये इसमें कर दिया C ग्रुप,
जो इन ग्रुप में नहीं आते उसे मैंने सी डी ग्रुप कर लो, अलग ग्रुप है ये, बिल्कुल अलग ग्रुप है। इसमें दो ही आते हैं, इसमें आते हैं SO42 नेगेटिव और PO43 नेगेटिव, ये अलग है, वो इन ग्रुप में नहीं आते। अब ये ग्रुप कैसे डिजाइन किए गए हैं, देखो जब मेरे पास कोई सॉल्ट रहता है तो सॉल्ट में CO32 नेगेटिव होगा या SO42 नेगेटिव होगा या NO32 नेगेटिव होगा, इस तरह से कोई भी हमारे पास रेडिकल्स होंगे। सपोज मेरे पास Cl नेगेटिव होगा तो ये जो एसिड आप यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड डाल के जिनका कंपोजिशन डीकम्पोजिशन हो रहा है वो डाइल्यूट H2SO4 में आएंगे। डीकम्पोजिशन मतलब CO2 में डाला तो CO2 बन जाएगी, SO4 NO3 में डाला तो NO2 नेगेटिव बन जाएगा, NO2 गैस बन जाएगी। समझ में आ रही है बात, डीकम्पोज हो रहे हैं तो वो सारे रेडिकल एसिडिक डाइल्यूट H2SO4 वाले में रखे गए। जिनका डीकम्पोजिशन डाइल्यूट H2SO4 से नहीं हो रहा, फिर से सुनिए, जिसका डीकम्पोजिशन डाइल्यूट H2SO4 से नहीं हो रहा मतलब जिनको सॉल्ट में डालने पर एसिडिक रेडिकल डीकम्पोज नहीं हो पा रहे, नहीं टूट पा रहे, उनसे गैस प्रोड्यूस नहीं हो पा रही किसी तरह की, उन्हें रखा है कंसेंट्रेट H2SO4 वाले में। और इसके बाद भी एक ग्रुप है जिनका डिकम्पोजिशन ना H2SO4 डाइल्यूट से हो रहा है ना कंसेंट्रेट से हो रहा है, उनको हमने थर्ड ग्रुप में रखा है, वो थर्ड ग्रुप में सल्फेट और फॉस्फेट है। जितने रेडिकल मैंने आपको बताया उससे अलावा भी बहुत सारे रेडिकल्स हैं लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए उसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। अब देखते हैं अब करना क्या है आपको, देखो करना क्या है, एक्सपेरिमेंट बता रही हूं मैं आपको कैसे करना है। आपके पास जो भी सॉल्ट है उसे आप टेस्ट ट्यूब में लो, ये आपने सॉल्ट ले लिया, इसमें आप ऐड करो डाइल्यूट H2SO4। अब क्या करना है, अब आप डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट ट्यूब में लेके देखो, टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा लेना, अब आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, अब आपको देखना है, सिर्फ क्या देखना है आपको, ये देखना है इसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है क्या, जब गैस निकल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक वाली फीलिंग आ रही है क्या, मतलब एफरवेसेंस निकल रही है क्या, नीचे सॉल्ट में देखेंगे बबल्स बन रहे हैं क्या, जो गैस निकल रही है उसका कलर कैसा है, क्या ब्राउन कलर है, पंजेंट स्मेल है, कलर नहीं है तो स्मेल करके देखेंगे कि जो गैस इवॉल्व हो रही है उसकी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है क्या, सुगंध है क्या, कुछ स्मेल है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो उस कंपाउंड को थोड़ा सा पोर्सिलिन डिश चाइना डिश में निकाल के स्मेल करो, कोई विनेगर जैसी स्मेल आ रही है क्या या पंजेंट स्मेल आ रही है क्या, ये सारा आपको ऑब्जर्व करना है। इनमें से किसी एक बात से आपको ये पता चल जाएगा रेडिकल कौन सा है और फिर उस रेडिकल का करना है कंफर्मेटरी टेस्ट। समझ में आ रही है बात, अब मैंने आगे नोट्स में ऐसा ही डिस्क्राइब किया है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कि आपके पास डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर लूंगी और मैं पहले तो ठंडे में ही चेंज ऑब्जर्व करूंगी कि भैया मैंने सिर्फ H2SO4 डाल के देखा कुछ हो रहा है क्या, अगर कुछ नहीं हो रहा थोड़ा सा गर्म करके देखूं कुछ हो रहा है क्या, जो हो रहा है उसके हिसाब से टेस्ट करना है, सारे टेस्ट नहीं करने क्योंकि आपको सिर्फ एक ही एसिडिक रेडिकल दिया है और एक बेसिक दिया है, तो जहां पर आपका एसिडिक रेडिकल फाइंड हो जाए वहां एक्सपेरिमेंट एसिडिक का खत्म, जहां पर आपका बेसिक रेडिकल फाइंड हो जाए वहां बेसिक का एक्सपेरिमेंट खत्म। अब क्या है, अब देखो सबसे पहले हमें देखना है क्या हुआ, अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला और एफरवेसेंस निकली तो वहां पर आपका कार्बोनेट हो सकता है, क्या हो सकता है आपके पास कार्बोनेट हो सकता है। ये टेस्ट एफरवेसेंस वाला जो वर्ड है ये आपने ऑर्गेनिक में भी हमारे साथ पढ़ा है जहां आप कार्बोक्सिलिक एसिड का NaHCO3 से टेस्ट करते हैं। अब अगर एफरवेसेंस निकल रही है कलरलेस थी तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें कार्बोनेट का टेस्ट करूंगी। समझ में आ रही है, कार्बोनेट का क्या टेस्ट होता है, वैसे तो मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स पढ़े उन्होंने कार्बोनेट का बड़ा आसान सा टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर वो पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो आसान है, एग्जामिनर वो पूछेगा जो कि आपने 10th क्लास में बहुत फेमस टेस्ट है, बहुत याद किया है इसे और एग्जामिनर इसे जरूर पूछेगा अगर वो कार्बोनेट का टेस्ट पूछ रहा है। वो टेस्ट कौन सा था, मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में डाला डाइल्यूट H2SO4, वो तो मैंने पहले ही डाला था, जो एफरवेसेंस थी वही करूंगी मैं, उसी में एफरवेसेंस आ ही रही थी, उसको मैंने क्या किया यहां से कॉर्क लगा दिया,
करना नहीं है, ये तो पूछेगा करा है तो आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो टेस्ट किया है कंफर्मेटरी टेस्ट, वो दूसरा है वो बहुत आसान है, लेकिन वो पूछेगा इसलिए वाइवा वाइस के लिए बता रही हूँ, वाइवा के लिए बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ये आपकी होलो ग्लास ट्यूब लगा दी, यहाँ से ये CO2 निकली क्योंकि आपने डाइल्यूट SO4 डाला था, कार्बोनेट आयन का डिकम्पोजिशन हुआ जिससे CO2 निकली, CO2 आपने यहाँ लाइम वाटर में पास की, टेस्ट का नाम ही लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अब लाइम वाटर है तो क्विक लाइम क्यों ना पूछे, पूछेगा ना वो क्विक लाइम, लाइम स्टोन क्यों ना पूछे, तो ये सब पता होना चाहिए कि आपको लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, ये पता होना चाहिए भाई, वो पूछ लेंगे आपसे। अब क्या करना है आपको, आप अब आपको यहाँ पर ये पास करते हैं, तो आपको पता है जैसे CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है आपके पास, क्या बनता है आपके पास, यहाँ लिखा है मैंने, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसका मिल्की अपेरेंस आता है, मिल्की कलर, पूरा दूध जैसा फील आता है आपको यहाँ पर नीचे लाइम वाटर के साथ। बहुत देर तक पास करोगे, बहुत देर तक पास करोगे तो आपका लाइम वाटर डिसअपेयर हो जाता है, लिखा है मैंने लाइम वाटर क्या हो जाता है आपका डिसअपेयर, क्यों हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, बहुत फेमस रिएक्शन है 10th स्टैंडर्ड की। आप वहां ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो ये टेस्ट कराया ही नहीं, वो कहेंगे कराया आपने 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ाई है ना आपने, बताइए आप, हालांकि कराना यही चाहिए, समझ रहे हैं, नीचे से आप हीट कर लें इसे, अगर गैस कम निकल रही है तो हीट कर लें। तो ये लाइम वाटर टेस्ट है, बता दिया मैंने आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब आपके स्कूल में कौन सा ग्रह है, आपके स्कूल में बड़ा आसान सा ग्रह है, आपने सॉल्ट लिया, आप जब आपका आपको पता चल गया एफर्वेसेंस आ रही है तो आप नई टेस्ट ट्यूब लें, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से शेक करें, शेक करने का मतलब अच्छे से वो घुल जाए, है ना, फिर उसमें मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन डालें, कभी कभी लैब में मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, कभी भी सॉलिड नहीं डालते, एक अलग टेस्ट ट्यूब लें, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चेक करके उसका सॉल्यूशन बना लें, क्लियर, तभी टेस्ट आएगा। और फिर जिसमें आपने ये लिया था इसमें MgSO4 का सॉल्यूशन डाल दूं तो व्हाइट PPT बनता है MgCO3 का। अब देखो ये याद रखने की चीज नहीं है, आपके पास यहां था CO3 2-, आपने ऊपर से डाला MgSO4, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, MgCO3 तो बनेगा, इसे याद क्या करना, और व्हाइट कलर का बनेगा ये, समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये आपका टेस्ट है जो स्कूल में कराया, लेकिन वो पूछेगा यही कि लाइम वाटर टेस्ट भी सुना है क्या कोई कार्बोनेट का, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से लाइम वाटर टेस्ट भी होता है। अब दूसरा, अगर एफर्वेसेंस नहीं आ रही है, कुछ और आ रहा है तो क्या आ रहा है, चलो गैस निकल रही थी पर कलरलेस नहीं थी, कलर था कैसा कलर था, रेडिश ब्राउन कलर, अगर रेडिश ब्राउन कलर है तो नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट का भी ब्राउन कलर होता है, लाइट ब्राउन होता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, और नाइट जब आपका नाइट्रेट में टेस्ट करते हैं तो लाइट ब्राउन होता है, कलर दोनों के सेम है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्साइड की जो कलर है यहाँ पर दोनों जगह सेम। अब देखो अगर पहले वाला नहीं हुआ तो चेक करो ये वाला है क्या, अगर ये वाला है तो अब आप इसका टेस्ट क्या करेंगे, इसका टेस्ट क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट देखें, वही नई टेस्ट ट्यूब लोगों को इसमें सॉल्ट डालोगे, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चेक कर लोगे, बिना शेकिंग के टेस्ट नहीं आएगा। फिर इसमें डालेंगे यूरिया, थायो यूरिया, अब वो कहेगा थायो यूरिया का फॉर्मूला बताओ, आपसे यही पूछेगा वो कि थायो यूरिया का फॉर्मूला बताइए, तो आप बताएंगे थायो यूरिया का फॉर्मूला, तो थायो यूरिया का जो फॉर्मूला आप बताएंगे, तो मैंने यहां पर ये थायो यूरिया का फॉर्मूला यहां लिखा है, ये लिखा है स्पेशली आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक है। फिर उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे और फिर FeCl3 सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लड रेड कलर आएगा इसका, ये कॉम्प्लेक्स वहां बनता है आयरन का, और आपको पता है ये लाइगेंट है SCN, थायोसाइनाइट इसे कहते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स में बहुत पढ़ा है, ये टेस्ट है पूरा, रेड ब्लड कलर अगर आपको ऑब्जर्व हो तो नाइट्राइड आपका है। अब होता क्या है देखेंगे, पहले इन दोनों को मिक्सचर से, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है तो इसमें आपका NO2- रहा होगा, थायो यूरिया डाला तो इसमें SCN- बनता है, फिर आपने जब इसमें एसिटिक एसिड में FeCl3 डाला, ये सब मिक्स किया तो इसका आयरन +2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है +3 के साथ, जो कि ये है, ये दिख रहा है आपको, तो ये कॉम्प्लेक्स रेड ब्लड कलर का होता है, ये आपका नाइट्राइड का टेस्ट है। जब आप पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएंगे,
आपको याद हो जाएंगे क्योंकि जो रिएजेंट है उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तीसरा है कि हमारे पास कलरलेस गैस निकल रही थी, एफरवेसेंस थी नहीं, लेकिन वहां पर ना सल्फर की बर्निंग की स्मेल आ रही थी। सल्फर बर्निंग स्मेल कैसी होती है, अगर आप कहीं पर देहरादून गए हो, सहस्त्रधारा एक पॉइंट है, वहां पे एक आपका सल्फर कंटेनिंग वाटर का स्रोत है वहां पर ना, और जिसे गंधक का पानी कहते हैं, तो वहां उस रीजन में वो स्मेल आती है। कभी काला नमक वाला कहीं पर हो तो नमक आती है। अगर आपने लैब में कभी H2S गैस यूज किया हो तो वहां पे भी बहुत एक स्मेल आती है, उसे कहते हैं आप वैसी स्मेल अगर आपको आए तो वहां पर सल्फाइट हो सकता है। देख रहे हैं आप, सल्फाइट है इसका नाम, ध्यान से बोलेंगे। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, सबका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं टेस्ट ट्यूब में हो रहा है सिर्फ कार्बोनेट को छोड़ के, कार्बोनेट में तो उसी टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं आप, बाकी सब में नई टेस्ट ट्यूब में करना है। अब इसमें एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने उस सॉल्ट का जो कि आपको दिया है, फिर उसमें आपने एसिडिफाई K2Cr2O7 डाला। एसिडिफाई मतलब थोड़ा सा एसिड मिला हुआ, मतलब K2Cr2O7 सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर का होता है। देखो यही पता चल जाएगा, वो आप सपोज ये टेस्ट आपने लिखा, बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है और ये ऑरेंज कलर का होता है। जब इसमें एसिड मिलाओगे तो भी ऑरेंज कलर का होगा। तो पहले थोड़ा एसिड मिला के, पानी मिला के इसका सोल्यूशन बना लो और इसे सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन में डाल दो, तो ये जो कलर है ना ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा है K2Cr2O7 और साथ में पढ़ा है SO3 आपने 2-, तो यहाँ पे बनता है Cr2SO4 का होल 3 और साथ में बनता है आपका, और भी चीजें बनती है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का। तो पहले जो ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर का क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो इस तरीके से आप सल्फाइट का पता लगा सकते हैं। तो किसका ग्रीन कलर हुआ सब लिखा है मैंने, ताकि आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। अब लास्ट है, इसमें एक रेडिकल है, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा, देखो चार ही है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप सीक्वेंस वाइज याद करेंगे बहुत आसान। देखो कार्बोनेट में तो एफरवेसेंस निकल रही थी, अगर वो ना हुआ तो मैंने रेडिश ब्राउन देखा, वो भी नहीं हो रहा आपको, तो जैसे ही H2SO4 डालोगे सारी चीजें एक साथ दिख जाएंगी। अगर एफरवेसेंस निकल रही है तो बाकी के बारे में सोचना ही नहीं। अगर आपका रेड ब्राउन निकल रहा है तो फिर आपको नाइट्राइट पता है, बाकी के बारे में नहीं सोचना। अगर आपकी गंधक जैसा स्मेल आ रहा है वहां पे, तो आपको कार्बोनेट और नाइट्राइट के बारे में नहीं सोचना, समझ रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा उसे बाहर चाइना डिश में निकाल के स्मेल करो, अगर विनेगर जैसे स्मेल आ रही है तो एसीटेट है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा नहीं है, जब आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तभी पता चल गया, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही तो होगा, क्योंकि आपके पास है ही एक। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें विनेगर जैसी स्मेल भी आएगी और उसमें एफरवेसेंस भी आएगी, फिर उसमें पंजेंट स्मेल, आपका जो है विनेगर स्मेल भी आएगी या उसमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स भी निकलेगी, ऐसा नहीं है। कोई एक ही चीज तो होगा। तो एक्सपेरिमेंट तो कितना है, आपको 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप का कोई रेडिकल है या नहीं। अगर कोई रेडिकल है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करो, आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया एसिडिक रेडिकल का। अब अगर आपका विनेगर स्मेल आ रही है तो फिर आपको क्या करना है कन्फर्मेटरी टेस्ट में, तो फिर आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है सॉल्ट का, नई टेस्ट ट्यूब में पानी डाल के, पहले सॉल्ट लो, पानी डालो, फिर उसमें न्यूट्रल FeCl3 डालना है, तो रेड ब्लड कलर आएगा, और वो रेड ब्लड कलर जैसे कि आयरन का नाइट्राइट के केस में आया था ना, थायोसाइनाइड लाइगेंड के साथ, यहाँ पर एसीटेट लाइगेंड के साथ सेम चीज बनेगी, सेम कलर आएगा। वहां थायोसाइनाइड लाइगेंड था और यहाँ एसीटेट आयरन लाइगेंड है, समझ में आ रही है बात। अब देखो कितनी सिमिलैरिटी है टेस्ट में भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये न्यूट्रल FeCl3 क्या है, न्यूट्रल FeCl3 क्या है ये जरूर पूछते हैं आपसे, और ये आपका फिनॉल के टेस्ट में भी यूज होता है। अब ये न्यूट्रल FeCl3 क्या है, देखो FeCl3 आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर मैं पानी मिलाऊंगी तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा FeOH का होल थ्राइस, साथ में बनता है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब जब मैं FeCl3 में पानी मिला रही हूं तो मीडियम एसिडिक होगा। अगर मीडियम एसिडिक है तो दिक्कत है हमारे लिए, तो मुझे उसे बेस न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल करने के लिए क्या करूं, क्योंकि मीडियम एसिडिक था, मैं इसमें NaOH ऐड करूं। NaOH कब तक ऐड करूं,
जब तक ही ये न्यूट्रल ना हो जाए। तो बेसिकली जब आप NaOH ऐड करेंगे, जब FeCl3 में पानी मिलाएंगे तो ट्रांसपेरेंट सा रहेगा, NaOH ऐड करेंगे तो उसमें ब्राउन कलर का PPT बनना शुरू हो जाएगा। जब तक PPT बन रहा है, PPT बोले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, तुम कॉपी पे लिखते हो PPT, जब एग्जामिनर पूछता है ना ये PPT क्या है, तुम बोल देते हो सर कंप्यूटर में होता है कुछ ना प्रेजेंटेशन टाइप का। नहीं भाई, प्रेसिपिटेट है उसका मतलब, ठीक है। तो जैसे ही वो बनना बंद हो जाए तो आप NaOH डालना बंद कर दें, उसे फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया उसे कहते हैं न्यूट्रल FeCl3, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। अब आ जाइए, यहां पर हमारा पहला ग्रुप खत्म हो गया, कितना आसान था। अब देखो जैसे आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो पहला ग्रुप है ही नहीं, मतलब कि डाइल्यूट H2SO4 से कोई रेडिकल नहीं है, पता चल गया आपको। फिर आप कहां जाएंगे, आप कंसंट्रेट H2SO4 के पास जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब क्या करें, नई टेस्ट ट्यूब ले, सॉल्ट ले, कंसंट्रेट H2SO4 डाले, फिर ऑब्जर्वेशन देखे। वैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन, पहला देखें थोड़ा सा हीट भी कर लें, कंसंट्रेट H2SO4 डाल के थोड़ा सा हीट कर लें, केयरफुली करें क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल है, डाइल्यूट H2SO4 में ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, गरम करने के बाद देखें कलरलेस पंजेंट स्मेल आ रही है। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है जो पसंद ना हो, दम घोटने वाली। पंजेंट नहीं आ रही तो क्या रेडिश ब्राउन आ रही है क्या, अगर रेडिश ब्राउन नहीं आ रही तो क्या वॉयलेट पंजेंट आ रही है क्या, या आपके पास लाइट ब्राउन ग्रेस आ रही है क्या, या आपके पास इनमें से कुछ नहीं आ रहा। अगर इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो फिर तो हम वो थर्ड ग्रुप के पास जाएंगे जिसमें दो रेडिकल है उसमें से एक होगा, ठीक है। कितना समय लगेगा इस बात को जानने में, अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लूंगी। देखो एक ही निकालना है आपको, जहां पर एक पता चल गया, सपोज डाइल्यूट H2SO4 डालने पे ही आपको कोई रेडिकल पता चल गया तो एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो गया। अब देखिए आप यहां पर क्या करेंगे, आपका सपोज पंजेंट स्मेल आई तो पंजेंट स्मेल का मतलब है क्लोराइड। ये किसकी वजह से आती है, देखिए ये जनरली HCl की वजह से आती है। जैसे आप सॉल्ट में उसमें क्लोराइड आयन है, आपने H2SO4 डाला तो इससे HCl गैस रिलीज होती है जिसकी पंजेंट आपके पास स्मेल आती है। अब इसका कंफर्मेटरी यही हो सकता है, कैसे हो सकता है, जैसे मेरे पास एक ग्लास रॉड है, मैंने उसको डिप किया कंसेंट्रेट NH4OH में, इसके ऊपर से ले गई, HCl निकल ही रही थी। अब देखो आप NH4OH ले गए, HCl निकल रही थी तो NH4Cl ही तो बनेगा, तो ये जो फ्यूम्स आ रही है वो किसकी आ रही है, ये NH4Cl की आ रही है, ठीक है। अब बात पता है क्या है, आपने जैसे ही ये बोला कि मैंने NH4OH में ग्लास रॉड डिप करके और माउथ पे रखी टेस्ट ट्यूब के और HCl गैस रिलीज हो रही थी तो NH4Cl का फ्यूम्स बना, ठीक है। अब वो ये पूछेगा ये NH4OH कहाँ मिला आपको, आप कहेंगे सर लैब में था, वो कहेंगे कैसा था, आप कहेंगे सर लिक्विड था। असली बात पता है क्या, लैब में जब भी NH4OH कहीं भी लिखा हो, आपको एक्सपेरिमेंट में लिखा है NH4OH डालें तो उसका मतलब होता है अमोनिया डालें। देखिए आप क्यों कह रही हूं, देखो जैसे मेरे पास है NH4OH है, मेरे पास है NH4OH, ये NH4OH है बनता कैसे, देखो अमोनिया था, अमोनिया में आपने पानी डाला बन गया NH4OH, NH4OH डाइल्यूट सॉल्यूशन है अमोनिया का, ये कोई अलग रिएजेंट नहीं है। आपको लग रहा हो अमोनिया अलग है NH4OH अलग है, नहीं भाई एक ही रिएजेंट है। तो जहां पर भी अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता है वहां जनरली अमोनिया का ही यूज करते हैं क्योंकि पानी तो टेस्ट ट्यूब में पहले से ही होता है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करें इसी से पता चल जाए, और ये भी याद रखें अगर आपने अमोनिया का यूज नहीं किया ना NH4OH का यूज किया तो ये टेस्ट आता नहीं है बहुत जल्दी, ये टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप क्या करें, आप अमोनिया का इस्तेमाल करें, टेस्ट ट्यूब लें, अमोनिया डालें, अमोनिया से ही आपको ये टेस्ट मिल जाएगा और अमोनिया से ही मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से नहीं मिलेगा, ध्यान रखें इस बात को, इसी से पता चल जाएगा आपने किया कि नहीं। अब कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करूं, देखो कंफर्मेटरी टेस्ट में मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी तरह याद करने का एक तरीका बताती हूँ, देखो क्या है वो तरीका। आपके पास तीन है Cl, Br नेगेटिव और आई नेगेटिव, ये तीन है आपके पास, इन तीनों के लिए एक ही टेस्ट है, गैस का कलर अलग है। जैसे कि आपने कंसेंट्रेट H2SO4 डाला तो Cl के लिए पंजेंट गैस है, रेडिश ब्राउन गैस है Br के लिए, और वायलेट जो वेपर्स है वो आयोडीन के लिए, तो वेपर्स अलग अलग है बस। कंफर्मेटरी टेस्ट एक है, कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या लें, आप
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लें, अब तो ये याद हो गया होगा, और उसमें डाल दें आप डाइल्यूट HNO3 डाल दें, और उसके बाद AgNO3 डालें। ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, AgNO3 भी सॉलिड नहीं डालना, आपको सॉल्यूशन डालना है AgNO3, ये ट्रांसपेरेंट है। अब आपने जैसे इसे डाला तो तीन बात हो सकती है, क्या क्या बातें हैं वो, एक तो आएगा व्हाइट पीपीटी प्रेजेंटेशन, नहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आता है येल्लो भी कैसा, पेल कैसा, नींबू का जो आउटर लेयर होता है वैसा, यहाँ आता है डर्टी येल्लो या डार्क येल्लो। देखो अगर आपके पास सीएल था और आपने डाला AgNO3 तो यहाँ AgCl बना होगा, बीआर था और आपने डाला AgNO3 तो आपका AgBr बना होगा, समझ में आ रही है बात। अगर आपके पास आई नेगेटिव था, AgNO3 डाला तो AgI बनेगा, टेस्ट एक ही है, टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ, टेस्ट आगे भी है। अब इसमें डालती हूँ मैं NH4OH, क्या डालेंगे NH4OH की जगह, अभी बताया मैंने आपको, लिखते NH4OH नहीं, डालते अमोनिया, अमोनिया नहीं डालोगे टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए जब आप टेस्ट, सपोज आपने कॉपी पे लिख दिया क्लोराइड, वहां लिख दोगे एड ऑन एडिशन ऑफ NH4OH PPT रिजोल्व, और फिर वो ये पूछ लेगा कि NH4OH कहां से मिला, तुम कहोगे शेल्फ पे रखा था, वो कहेगा टेस्ट ही नहीं आता, जाओ उठा के लेके आओ बॉटल, नहीं आता टेस्ट, अमोनिया से ही आता है। तो जो पीपीटी व्हाइट कलर का आया था वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ये थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल, ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, पहली बात तो कलर अलग अलग है और ये डिसॉल्व होने की कंडीशन अलग है, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। देखो मैंने लिखा भी है, तो ये टेस्ट, सारे टेस्ट तो आपको अलग अलग याद ही नहीं करने, ये देखो ये लिखा है सब पेल येलो मिलेगा, है ना, AgBr की वजह से स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, फिर ये आई के लिए आपको वॉयलेट कलर का आपको वेपर मिलेगा, इसमें भी देखो AgNO3 डाला है तो कैसा येलो है, इनसॉल्युबल है NH4OH, ये NH4OH अमोनिया है, बार बार बता रही हूं मैं। अब आ जाते हैं लास्ट, अगर आपको मिली कैसी स्मेल, आपको मिली लाइट ब्राउन कलर की गैस है तो आपके पास नाइट्रेट हो जाता है। अब नाइट्रेट को कैसे कंफर्म करते हैं, आइए देखते हैं आगे। टेस्ट बड़ा अच्छा है, आपसे बहुत इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये है रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट करते क्या है, देखो एक टेस्ट ट्यूब ली, एक्वस सॉल्यूशन लिया किसका, साल्ट का, समझ में आ रही, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इसमें FeSO4 ले लिया सॉलिड और इसमें पानी मिला दिया, अपने अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास बॉटल थी, किसकी बॉटल थी, कंसेंट्रेट H2SO4 की, बहुत संभाल के इस्तेमाल करनी है इसे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालनी है 3-4, जब आप इसमें ड्रॉप डालेंगे तो ड्रॉप डालने पर यहाँ पर एक ब्राउन रिंग मिलेगी, समझ में आ रही, ये ब्राउन रिंग किसकी मिलती है, ये FeH2O का होल 5NO की मिलती है, ये आपने पढ़ा भी है, इसकी ये ब्राउन रिंग मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 को डालना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कंसेंट्रेट है, फिर एक ड्रॉप डालना है हाथ से पकड़ोगे, फिर टेस्ट ट्यूब हिलनी नहीं चाहिए, बहुत प्रिकॉशनली करना पड़ता है क्योंकि अगर आपने टेस्ट ट्यूब हिलाई तो रिंग डिसॉल्व हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे टेस्ट को उसी तरह से नहीं करती, मैं थोड़ा इसे चेंज कर लेती हूँ। तो मैं चेंज करने के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कंसेंट्रेट चेंज कर लेती हूँ, मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ, सॉरी मैं डालू, मैं क्या करती हूँ, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मैंने साल्ट ले लिया, साल्ट में डाल दिया पानी, पानी डालने के बाद मैंने डाल दिया कंसेंट्रेट H2SO4, इसमें डाल दिया। अब एक अलग टेस्ट ट्यूब में मैंने FeSO4 ले लिया और इसमें डाल दिया पानी। अब मैं इसको ड्रॉप वाइज डालती हूँ, ये ड्रॉप वाइज डालती हूँ, आसान पड़ जाता है थोड़ा, एक तो ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि FeSO4 है, एक्वस पानी मिलाया हुआ है तो हार्मफुल नहीं है, तो बड़े आराम से हो जाता है और ब्राउन रिंग रिजल्ट सेम है, अगर नाइट्रेट होगा तो आएगी, ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं इसे, ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, किसकी वजह से बनता है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है।
किसकी वजह से बनते हैं, और ज्यादा नहीं डालना H2SO4, ज्यादा डालोगे तो फिर नहीं होगा। कहाँ लिखा है मैंने, ये लिखा है यहाँ पर, इस कंपाउंड की वजह से ये ब्राउन रिंग यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, 5 सेकंड में ही आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, ना स्मेल आ रही, ना कोई कलर गैस निकल रही, आपने कंसेंट्रेट H2SO4 डाला, हीट करके भी देखा, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई गैस निकली, ना स्मेल का तो मामला ही नहीं है, सारी गैस ही निकल रही है, कोई सी कलर की गैस नहीं निकल रही, तो इसका मतलब ना डाइल्यूट H2SO4 वाले रेडिकल्स है, ना कंसेंट्रेट H2SO4 वाले रेडिकल्स है। फिर कौन से है, फिर दो अलग रेडिकल है, एक सल्फेट का है और एक दूसरा है फॉस्फेट। बहुत कम स्कूल्स में ये है, लेकिन है। अब क्या करूं, सल्फेट के लिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लूं, डाइल्यूट HCl डाल के बेरियम क्लोराइड ले लूं, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, वही बेरियम क्लोराइड थोड़ा टेस्ट ट्यूब में लेके पानी डाल के अच्छे से चेक कर लें, सॉल्यूशन बन गया, डालने पर व्हाइट पीपीटी आता है। अब देखो यहाँ पर था सल्फेट और बेरियम क्लोराइड डाला, तो क्या बना होगा, बेरियम सल्फेट ही तो बना होगा, इसी का व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। आप देखो एरो नीचे का मतलब होता है पीपीटी, एरो ऊपर का मतलब होता है गैस इवॉल्व हुआ है। ये कॉपी में जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर पूछेगा। और अगर इन ये भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लें, कंसेंट्रेट HNO3 डालें, अमोनियम मॉलिब्डेनेट डालें। देख रहे हैं ना कितना अनोखा नाम है, जितना अनोखा नाम है उतना अनोखा इसका फॉर्मूला भी है, तो एग्जामिनर तो पूछेगा ये अमोनियम मॉलिब्डेनेट क्या होता है। अब इससे क्या होता है, अगर आप इसे हीट करेंगे तो थोड़ा सा केनरी येलो पीली पीपीटी आएगा, पीपीटी वही प्रेसिपिटेट, और किसका आएगा, इसका बनेगा, तो इसे याद रखना पड़ेगा, क्यों याद रखना पड़ रहा है, इसकी शक्ल ही बता रही है, यही पूछेगा अगर फॉस्फेट आपने कॉपी पे लिख दिया। अब जो आपने कॉपी पे लिखा है वो बहुत ही क्लियरली लिखोगे, समझ रहे हो, जो लिखा है उसका टेस्ट जरूर देखोगे, किस चीज का पीपीटी आ रहा है, ऑर्डर किस चीज का आ रहा है, गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, कलर किस वजह से आ रहा है, वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन ये एसिडिक रेडिकल पूरा एक्सपेरिमेंट करने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है, कंफर्मेटरी एक ही तो निकालना है। डाइल्यूट H2SO4 डाला, कुछ नहीं हो रहा, कंसेंट्रेट H2SO4 डाल के गर्म किया, कुछ नहीं हो रहा, लास्ट में ये, अगर डाइल्यूट H2SO4 डाल के ही कुछ हो रहा है तो उसका टेस्ट कर लो, हो गई बात खत्म, लिख लो कॉपी में, इसमें याद क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक रेडिकल। अब देखो बेसिक रेडिकल करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि बेसिक रेडिकल आसानी से फाइंड नहीं होते, इसका प्रोसेसर इतना लंबा है कि इंसान थक जाता है, सोचता मैं कर ही नहीं रहा, लेकिन इसका वाइवा बहुत अच्छा है और आप इसे याद कर सकते हो, तो आप इसका वाइवा कर लें। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हम भी आपको नहीं बता रहे, क्योंकि वहां तक जाते जाते आप बस यूं कह दोगे बस अब नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले ये टेबल याद करनी है आपको, क्या याद करनी है, देखो जीरो ग्रुप में अमोनियम है, नाम याद होना चाहिए अमोनियम, चार्ज याद होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट है, अभी बताती हूं मैं क्या है ये ग्रुप रिएजेंट, क्यों लिखा है इसे ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट H2SO4। फर्स्ट ग्रुप में जो रेडिकल्स है वो है आपका सिल्वर Hg2+ और लेड, सेकेंड में H2S गैस है ग्रुप रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, क्यों लिखा है सब बताऊंगी। इसमें दो ग्रुप है, सेकंड ए सेकंड बी, पहला ग्रुप कॉपर का है, दूसरा ग्रुप आर्सेनिक का है। कॉपर में देखिए आप, ये मरकरी और लेड कॉमन है, क्यों कॉमन है बाद में बताएंगे, बेसिकली ये तीन है, इसको याद करने का तरीका, पहला वाला तो याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है अभी याद करने का तरीका भी बताएंगे। थर्ड ग्रुप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, क्यों है अभी देखते हैं। इसमें आपके पास चार रेडिकल्स हैं, दो तो यही है एल्यूमिनियम और क्रोमियम है। फोर्थ ग्रुप में H2S गैस ग्रुप रिएजेंट है, चार है, निकोमंजन, ऐसे याद कर सकते हैं आप, निकोमंजन निकोमंजन, निकिल कोबाल्ट मैग्नीज और जिंक। फिफ्थ ग्रुप में अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, बेरियम स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम है। सिक्स ग्रुप में मैग्नीशियम है, इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। ठीक है, ये टेबल आपको पूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो पूछ लेगा कि आर्सेनिक +2 कौन से ग्रुप में है बेसिक रेडिकल में, मैग्नीशियम +2 कौन से ग्रुप में है, आयरन +3 कौन से ग्रुप में है, आपसे पूछ लेगा क्रोमियम +3 कौन से ग्रुप में है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रुप रिएजेंट पूछ लेगा, फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बताओ। अब ये क्या है, कैसे हैं, क्या इनसे होता है, आइए देखते हैं। देखो भाई, अगर आपको बेसिक रेडिकल का एनालिसिस करना है तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है,
और स्टेप वाइज है, पहले स्टेप का सेकेंड स्टेप में वर्क है, सेकेंड स्टेप का थर्ड स्टेप में वर्क है, थर्ड स्टेप का जो बचेगा वो फोर्थ में लगेगा, फोर्थ का जो बचेगा वो फिफ्थ में लगेगा, तो पहले का जो फिल्ट्रेट आएगा वो सेकेंड में यूज होगा, ठीक है। अब स्कूल के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट दो तरीके का है, कुछ लोग ओरिजिनल सोल्यूशन बनवाते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन होता है जिसमें आपका दिया हुआ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए। अब किसमें डिसॉल्व होगा मुझे पहले से तो पता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ बारी बारी से चेक करती हूँ। मैं सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, अच्छे से हिलाया, गर्म किया, डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। कंसेंट्रेट HCl डाल के देखा डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। डाइल्यूट HNO3 डाल के देखा डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। कंसेंट्रेट जहां पर डिसॉल्व हो जाए वही ओरिजिनल सोल्यूशन, सपोज डाइल्यूट HNO3 से डिसॉल्व हो गया तो वो ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया मेरा, समझ में आ रही। कहीं पर ये काम सीधा सॉल्ट से कराया है तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आप करें, जनरली ओरिजिनल सोल्यूशन से कराना चाहिए। तो जहां पे कराया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराया जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप सॉल्ट से लिखें और सॉल्ट से ही बताएं। अब अगर किसी में डिसॉल्व नहीं हो रहा ऐसा पूछेंगे एग्जामिनर, तो लास्ट में एक्वारेजिया में डिसॉल्व करते हैं। एक्वारेजिया आपने पढ़ा हुआ है, ढूंढे थोड़ा सा एक्वारेजिया क्या होता है, रेशियो होता है, आपको पता चल जाए। अब करना क्या है, देखो अगर आपके पास सॉल्ट है तो सॉल्ट ले लें, या ओरिजिनल सोल्यूशन है तो ओरिजिनल सोल्यूशन ले लें, सॉल्ट है तो सॉल्ट से करें। अब इसमें मैं ऐड करती हूं डाइल्यूट H2SO4 जो कि फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट था। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप में अगर इस सॉल्ट में ये जो भी लिया है ओरिजिनल सोल्यूशन लिया है, ये सॉल्ट में अगर Ag हुआ जो कि देंगे नहीं, बहुत महंगा है इसीलिए मैंने वहां ग्रीन से मार्क किए गए हैं जो देंगे। Ag क्यों देंगे भाई? दूसरा था मेरे पास Hg2+ और तीसरा हमारे पास Pb+2 है। अगर इन तीनों में से कोई भी यहाँ हुआ तो डाइल्यूट HCl, सॉरी बोल HCl रही हूँ, लिख H2SO4 रही हूँ, सॉरी। तो मेरे पास अगर ये हुआ तो यहाँ डाइल्यूट HCl अगर मेरे पास हुआ तो डाइल्यूट HCl अगर इन तीनों में से कोई हुए तो AgCl बनेगा, Hg2 क्या लिख रही हूँ Hg2Cl2 कैलोमल कहते हैं इसे, PbCl2, इन तीनों में से अगर हुआ तो ये सब बनेंगे। इसका मतलब ग्रुप रिएजेंट का क्या काम है, ग्रुप रिएजेंट का काम है अपने ग्रुप के रेडिकल का प्रेसिपिटेट बनाना। ये पूरी टेबल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर आधारित है, दैट मीन्स जिन प्रेसिपिटेट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है वो तो लास्ट में है क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, घुले ही रहते हैं। जिनका सॉल्युबिलिटी कम है उन्हें पहले निकाल लेते, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम थी तो इसलिए डाइल्यूट HCl डालने पर अगर इनमें से कोई हुआ तो इनके प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप में यही एलिमेंट है। सपोज उन्होंने आपसे पूछा कि फर्स्ट ग्रुप में सपोज कोई एलिमेंट मैंने तुम्हें दिया डाइल्यूट HCl डाला तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर PPT बन सकता है। PPT कैसे कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, मैंने वहां लिखे भी हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने नेक्स्ट उसमें देखो लिखा है ये व्हाइट बनेगा, ये व्हाइट बनेगा। लेड क्लोराइड का PPT नहीं बनता, व्हाइट आता है, तो आपको फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट व्हाइट PPT है पहले उसे पानी में डिजोल्व करना पड़ता है, फिल्ट्रेट में लेड आता है, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए इसे सेकंड ग्रुप में भी रखा गया, क्योंकि पहले ग्रुप में लेड क्लोराइड के PPT आपको मिल गए सपोज, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत क्योंकि सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज्यादा है इसकी तो फिल्ट्रेट में भी पहुंच जाता है, ठीक है। कैसे पहुंचता है आइए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, अगर नहीं हुआ सपोज PPT नहीं बना तो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, फर्स्ट ग्रुप क्या रह जाएगा आपका, एब्सेंट। अब मैं क्या करूंगी, अगर आपका PPT बन रहा है नहीं बन रहा आप इसे फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे फिल्टर करूंगी तो आप ऊपर फनल लगाएंगे नीचे टेस्ट ट्यूब लगाएंगे, ये आ गया फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है ये सेकंड ग्रुप के लिए इस्तेमाल होगा, किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये जो PPT आए इस पे टेस्ट करोगे, इन तीनों में से कोई एक होगा ना, अगर कोई भी हो इस PPT से आप टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा है। वो टेस्ट की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं आपके साथ क्योंकि बहुत आगे बात चली जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करें, ये जो फिल्ट्रेट आया सेकंड ग्रुप का ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें मैं करूंगी पास H2S गैस। अब देखो जब H2S गैस आप पास करेंगे तो सेकंड ग्रुप में क्या था आपके पास, दो ग्रुप थे, एक तो था ए एक था आपके पास बी। ए था कौड़ी कुत्ते बीमार, याद करने का तरीका है ये, कौड़ी कुत्ते बीमार, समझ रहे हो। बी था ऐश्वर्या सब
सुंदर सुंदर, याद हो रहा है कि नहीं? याद करने का तरीका भी बता रहे हैं, देख रहे हैं आप कि नहीं देख रहे? देख, आप देखिए इसे यहाँ पर, ये रहा, ऐश्वर्या सब सुंदर सुंदर, कौड़ी कुत्ते बीमार, मरकरी और लेड तो पहले ही है। अब लेड यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि लेड क्लोराइड की सॉलिबिलिटी ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेट पूरा नहीं बनता, तो फिल्ट्रेट में आ जाता है। और जब ये फिल्ट्रेट में आ जाता है तो देखो ये फिल्ट्रेट में आ जाएगा, फिल्ट्रेट में आ जाएगा तो H2S पे PbS भी बन सकता है, तो ब्लैक कलर भी बन जाता है कभी कभी, तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया है, सेकेंड ग्रुप में भी रखा गया है। अब ऐश्वर्या सब सुंदर सुंदर, इसके चार्ज आपको याद होने चाहिए, ठीक है? दोनों ग्रुप आपको याद। अब देखो H2S पास कर रही हूँ, ग्रुप रिएजेंट है ना, अगर कॉपर हुआ तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फाइड। अगर कैडमियम हुआ तो क्या बनेगा? कैडमियम सल्फाइड। सपोज आर्सेनिक हुआ तो क्या बनेगा? आर्सेनिक सल्फाइड। समझ रहे हैं? ये येलो कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, जनरली ए ग्रुप में से ही आता है, बी ग्रुप में से नहीं आता। कॉपर वाले ग्रुप को कॉपर ग्रुप कहते हैं, आर्सेनिक वाले ग्रुप को आर्सेनिक ग्रुप कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? मैंने वहां आपके नोट्स में कलर तक भी लिखा है, वहां आपके नोट्स में देखिए कलर भी लिखा है कि येलो है, ब्लैक है, कौन से आ सकते हैं, वो ग्रीन से लिखा है। अब क्या करेंगे आप? अब इसके बाद क्या करने वाले हम? अब तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के बाद देखो क्या करती हूँ, अगर मेरे पास पीपीटी आए, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, अगर मेरे पास पीपीटी आए तो फिर इसे फिल्टर करूंगी। वैसे तो कलर से ही पता चल जाएगा, देखो जैसे कलर यहाँ पे येलो है तो आपका कैडमियम है, आगे एक्सपेरिमेंट क्यों करोगे? कैडमियम का टेस्ट करोगे। फिल्टर करने पे ऊपर तो आ जाएगा पीपीटी, पीपीटी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसे मैं थर्ड ग्रुप के लिए इस्तेमाल करूंगी, थर्ड ग्रुप को चेक करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। पीपीटी में अगर मेरा येलो आया तो कैडमियम का टेस्ट करूंगी, अगर मेरे पास कॉपर आया तो कॉपर, ब्लैक आया तो कॉपर का टेस्ट करूंगी। पीपीटी से अलग टेस्ट होगा, पीपीटी को आप टेस्ट ट्यूब में निकाल के, कॉपर का और कैडमियम का टेस्ट अलग है, वहां तक मैं नहीं जा रही क्योंकि उन टेस्ट ट्यूब की बात करूंगी, तो आप देख रहे हैं ना कितने बेसिक रेडिकल्स हैं, उन सबके टेस्ट मुझे आपको बताने पड़ेंगे, बस पीपीटी से ही पता चल जाता है, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब ये जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट में क्या डालूंगी? NH4OH डालूंगी और साथ में डालूंगी NH4Cl। अब देखिए एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बतानी है। मैंने यहाँ कहा पास H2S, इस फिल्ट्रेट में HIN पहले से ही थे क्योंकि आपने डाइल्यूट HCl डाला था, तो फिल्ट्रेट में HIN आए होंगे, तो HIN की प्रेजेंस में H2S पास किया, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा? यहाँ पर लगा कॉमन आयन इफेक्ट, याद है ना? कॉमन आयन इफेक्ट याद है ना? कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन लेस होता है, तो जब HIN था और H2S पास करेंगे तो जो सल्फाइड आयन है वो कम बनेगा, तो जब सल्फाइड आयन कम बनेगा तो सिर्फ सेकेंड ग्रुप के ही, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ग्रुप के ही एलिमेंट का प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि देखो H2S फोर्थ ग्रुप में भी है और H2S मैंने लिखा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? कॉमन आयन इफेक्ट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सिर्फ उतना ही सल्फर सल्फाइड आयन प्रोड्यूस होगा जिससे इस ग्रुप के रेडिकल प्रेसिपिटेट हो पाए, बाकी डिसॉल्व रहेंगे। लेकिन जब सल्फर बहुत सारा मिल जाएगा तो तुम्हें पता है आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो इनका प्रेसिपिटेशन भी आ जाएगा। अगर मैं वहां HCl ला लूं, डायरेक्ट H2S पास करूं, तो वो वाले ग्रुप के भी रेडिकल आ जाएंगे, ये वाले भी आ जाएंगे, कैसे छटोगे अलग अलग? इसीलिए वहां कॉमन आयन इफेक्ट है, ध्यान रहे। ऐसा ही कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर भी है। अब देखो ग्रुप रिएजेंट तो NH4OH है, तो जब NH4OH डालूंगी थर्ड ग्रुप के FeOH का होल थ्राइस बनेगा, या एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस बनेगा, या आपके पास क्रोमियम OH का होल थ्राइस मिलेगा, यही तो है इसमें। इसका रंग होता है ब्राउन, जैसे कि आप एप्पल काटते हैं थोड़ी देर बाद वो ब्राउनिश हो जाता है, वो कलर इसका है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अब एल्यूमिनियम का कलर जेलेटिनियस व्हाइट है, क्रोमियम का कलर भी आपका ग्रीन सा होता है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर NH4Cl डाला है। क्यों डाला है? कॉमन आयन इफेक्ट, OH आयन का कंसेंट्रेशन इतना कम है कि सिर्फ थर्ड ग्रुप के रेडिकल का ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बाकियों का नहीं हो जाएगा। निकल हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाएगा, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप NH4Cl ना डालें। इसलिए ये सिस्टमैटिकली बनाया गया इन रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट है, जरूर पूछा जाएगा आपसे कि NH4Cl क्यों डाला यहाँ पे H2S, अगर HCl ना डालूं और सिर्फ H2S पास करूं तो क्या होगा? तो फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स का भी प्रेसिपिटेशन मुझको वहीं मिल जाएगा, तो फिर हमारा जो काम है वो नहीं कर पाऊंगी मैं, इतने सारे रेडिकल्स नहीं फाइंड कर पाऊंगी मैं फिर, ठीक है? अब थर्ड ग्रुप में ये डाला
तो ये बना, फिर मैं क्या करूंगी, अगर कोई प्रेसिपिटेट आया ठीक है, नहीं आया तो फिर फिल्टर करूंगी, फिल्टर करने के बाद ऊपर जो प्रेसिपिटेट है उसे थर्ड ग्रुप का कर दो, नीचे जो फिल्ट्रेट आया उसे कौन से ग्रुप के लिए ले जाऊं, मैं फोर्थ ग्रुप के लिए ले जाऊं, फोर्थ ग्रुप में मैं क्या पास करती हूँ, H2S गैस पास करती हूँ, H2S गैस पास करने पर सल्फाइड बनेंगे, निकिल के निकिल है वहां पर, Mn है, Zn का जो सल्फाइड है वो व्हाइट कलर का है, फिर अगर प्रेसिपिटेट प्रेजेंस हुए तो फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं हुए तो फिर सिक्स ग्रुप में जाऊंगी, वहां अमोनियम कार्बोनेट डालूंगी, तो सबके कार्बोनेट बनेंगे, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट सारे व्हाइट कलर के होते हैं। तो आप देख रहे हैं एक फिल्ट्रेट था वो छन छन के आगे जाएगा। अब अगर आपका सेकंड ग्रुप ही आ गया तो आगे क्यों करोगे, आपको तो एक ही करना है, थर्ड ग्रुप आ गया तो आगे क्यों करोगे, एक ही करना है, फोर्थ ग्रुप आ गया तो आगे क्यों करोगे, एक ही तो करना है, समझ में आ रही है। तो बेसिकली प्रेसिपिटेट के कलर से, प्रेसिपिटेट के कलर से फाइंड हो जाएगा। अब देखो याद कैसे करना है, पहला तो याद हो जाएगा आपको सिल्वर मर्करी लेड, चार याद करने, सेकंड में दो ग्रुप है, एक और भी कॉपर ग्रुप, कौड़ी कुत्ते बीमार, आर्सेनिक ग्रुप, ऐश्वर्या सब सुंदर सुंदर, थर्ड ग्रुप को आप आलू फेको कार, नेक्स्ट नीको मंजन, नेक्स्ट बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, लास्ट है मैग्नीशियम। तो ये आप जरूर याद करें। देखिए यहां मैंने प्रेसिपिटेट लिखे हैं, इस ग्रुप में कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, जब आप ग्रुप रिएजेंट याद करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारा आपको लिखा है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी मैंने इसे सम अप करने की कोशिश की है। जिस भी ग्रुप का प्रेसिपिटेट बन रहा है अब आपके, उससे हम रिस्पेक्टिव टेस्ट करेंगे। अब आपकी नोटबुक में जो भी वेस्टिकल रेडिकल्स है ना, आप उनके टेस्ट याद कर लें, वो तो पीपीटी से होने, जैसे आपके पीपीटी बने उनको आप टेस्ट ट्यूब में लेके उसके साथ रिस्पेक्टिव टेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि हर एलिमेंट के कन्फर्मेटरी टेस्ट एक नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें यूज होने वाले केमिकल भी अलग अलग है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो आपके यहाँ लैब में वो नहीं हुआ तो फिर आप इसको पढ़ेंगे भी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छा रहेगा कि बेसिक रेडिकल के लिए आप ऐसा काम करें कि आपके, बल्कि आएंगे वही जो आपके रिकॉर्ड में होंगे, तो आप उन बेसिक रेडिकल के कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़ लें। बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट जरूर पढ़े, या ग्रुप रिएजेंट जरूर पढ़े, ग्रुप रिएजेंट डालने पर किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे वो जरूर पढ़े, ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है जरूर पढ़े, जीरो ग्रुप में जरूर पढ़े, इसमें अमोनियम का टेस्ट एक और देख लें, अमोनियम का टेस्ट बहुत पूछा जाता है। अमोनियम के टेस्ट में क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अमोनियम के टेस्ट में आपको एक तो देख लीजिए आपके यहाँ कौन सा कराया गया है, एक तो HCl की रॉड को आप हीट करेंगे अमोनियम के NaOH के साथ, ऊपर से ले जाएंगे तो NH4Cl का फ्यूम्स निकलेगा, जो कि आपने Cl के टेस्ट के लिए भी किया था, वहां अमोनिया से रॉड डिप करके आपने माउथ पे रखा था टेस्ट ट्यूब के, यहाँ आपको HCl से डिप की हुई रॉड आपको माउथ पे रखनी है, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में आप NaOH डाल के हीट करें, हीट करने के बाद माउथ पर HCl की रॉड लें तो NH4Cl का PPT बन फ्यूम्स निकलता है, दोनों सेम ही। तो आपको ग्रुप रिएजेंट वगैरह, एलिमेंट्स वगैरह, कौन से ग्रुप में कौन सा है, जैसे मैंने कहा लेड को दोनों ग्रुप में रखा गया है, अब जैसे लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, कॉपर सल्फाइड येलो कलर का होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेसिक रेडिकल्स, लेकिन आप पढ़ेंगे तो वाइवा इसका बहुत अच्छा हो सकता है। कॉपी में रिकॉर्ड में आप कुछ भी लिख दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉजिकली आप कौन सी चीज कहाँ पर और किस वजह से यूज कर रहे हैं।